बॉलीवुड इज बैक। सभी लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी अगर हिट हो जाती है तो बॉलीवुड कमबैक कर पाएगी, लेकिन जिस हिसाब से लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, इस वजह से अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती है तो क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो इसका दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आयन मुखर्जी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये मूवी 3 पार्ट में रिलीज होगी और जैसा कि इस मूवी का बजट 410 या 20 करोड़ बताया जा रहा है, उस हिसाब से अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो कोई भी इस मूवी में पैसा बहाना क्यों चाहेगा। ये पैसा है कोई नदी नहीं जो ऐसे ही बहा दिया जाएगा, चलो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर ये मूवी किसी कारण से फ्लॉप हो जाती है तो बॉलीवुड वाले और 4 कदम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में कम से कम अगले 4 साल तक कोई भी प्रोड्यूसर इतने बड़े बजट और इतने मेहनत की मूवी बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे। पहले तो आयन मुखर्जी ने इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने में अपने कीमती 6 साल दिए है, उसके बाद इस मूवी को 2014 से बनाना शुरू किया गया। अब फाइनली इतने इंतजार के बाद अब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इतने मेहनत के बात अगर ये मूवी थिएटर्स में ना चली तो कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाना नहीं चाहेंगे और बॉलीवुड वाले ज्यादातर 100 करोड़ से नीचे ही मूवी बनाने लगेंगे। अच्छा, अब तीसरी और मेरे हिसाब से सबसे आखिरी चीज जो इस मूवी के फ्लॉप होने पर हो सकती है, ब्रह्मास्त्र मूवी अभी बॉलीवुड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवी है। जिस तरह से इस साल बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप होती जा रही है, उस हिसाब से बॉलीवुड की आखिरी उम्मीद ब्रह्मास्त्र मूवी ही है, और अगर ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है तो बॉलीवुड के लिए ट्रोलर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे कि बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज हिट होगी या फ्लॉप वो सब ट्रोलर्स से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो मैं चाहूंगा कि ये मूवी हिट ही हो, क्योंकि इस मूवी को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया गया है और मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए, और अगर ये मूवी अच्छी ना हो तो अलग बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।